क्या बात है, केक तो आया है लेकिन केक काटने वाली क्या पता नहीं है। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही आप। अरे भावो, अगर श्वेता जल्दी नहीं आए ना तो वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको, केक काटने के साथ साथ खाने तक की सारी जिम्मेदारी है ना मैं ही पूरी कर दूंगा। मुझे अपना चेहरा तो देखने दे, देखूं तो सही कि मेरी प्यारी श्वेता है या आसमान से कोई परी उतर के आई है। क्या भावो, आप भी ना। अरे भाई, तो भावो ने कहां गलत कहा है, हमारी श्वेता किसी परी से कम लग रही है अभी। आप भी शुरू हो गए। अब चलो जल्दी से केक काटो। ऐसे कैसे केक काट दूं? सावरी भी तो साथ में काटेगी ना। कहाँ है वो? ये क्या सावरी, तुम्हें कब से तैयार होने में इतना टाइम लगने लगा? पता था ना कि हमें साथ में केक काटना है। आओ साथ में केक। La 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 la
नहीं, पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी। बाबू मुंह खोलिए। नहीं नहीं बेटी, तू लाई और मैंने मान लिया। अरे इस उम्र में मेरे लिए मीठा खाना ठीक नहीं है। भाबो आज बर्थडे गर्ल मैं हूँ और आज आपके नहीं मेरे रूल्स चलेंगे और मेरा ऑर्डर ये है कि आप फटाफट अपना मुंह खोलिए और इसे हजम कर लीजिए। अच्छा ठीक है। श्वेता को तो इसके माँ बाप ने सलीके से कपड़े पहनना सिखाया ही नहीं। कावेरी का तो समझ में आता है पर लगता है कि समर बनना भी अंधे हो गए हैं। श्वेता, श्वेता, अरे जन्मदिन मुबारक, मुबारक हो। माँ गणी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहीं कहीं होगा ब्रजेश। यहीं कहीं होता तो दिखाई देता ना तारा। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। ये गलत बात है भावा। वो कैसे अपने बहन के बर्थडे फंक्शन को छोड़कर जा सकता है? और यही नहीं, वो परिवार के किसी भी खुशी में शामिल नहीं होता है और जब होता भी है तो साथ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इस परिवार का हिस्सा है या नहीं। नाराज मत हो ब्रजेश, आ जाएगा। अब तू तो उसका स्वभाव जानता ही है, मन होगा तो आएगा, मन नहीं होगा तो नहीं आएगा। इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं। इस उम्र से मैं भी गुजरा हूं भाभी, लेकिन परिवार की खुशियों में शामिल होना, परिवार के साथ अच्छे संबंध रखना, इससे उम्र का कुछ लेना देना नहीं है। मुझे विश करे या ना करे, हर साल आप लोगों से मुझे मेरे जन्मदिन की मुबारकबाद मिल ही जाती है।
हैप्पी बर्थडे बेटे। कैसे ना देती मुबारकबाद, वो कहते हैं ना असल से बड़ा सूद होता है। अब ये तू तो हमारी तीसरी पीढ़ी है, मेरी सलोनी की निशानी। भला तुझे मुबारकबाद कैसे नहीं देते? ईश्वर करे तुझे हमारी भी उम्र लग जाए। तुझे जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद। बिल्कुल मेरी सलोनी की तरह कभी भी कोई भी तोहफा नहीं मांगती, बस आशीर्वाद से ही काम चला लेती है। आप भी तो मेरी माँ की तरह है, वो या होती तो मेरे बिना मांगे मेरे लिए तोहफा लेकर आती। ये देख, इस बार इस तोहफे की बड़ी कीमत है बेटा। ये वो पेंडेंट है जो मैंने सलोनी को उसके 18वें जन्मदिन पर दिया था। आज भी मुझे वो दिन याद है। पता है मेरी सलोनी भी बिल्कुल तेरी तरह थी, सबसे प्यार करने वाली, सबकी देखभाल करने वाली, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करने वाली। उसने मुझे ये पेंडेंट वापस कर दिया था और कहा था कि जब मेरी बेटी 18 साल की हो जाए तब ये पेंडेंट उसे दे देना। आज मेरी लाडो जहां भी होगी तुझे याद कर रही होगी। जी नानी साहब, कहने के लिए तो माँ मुझसे दूर है, लेकिन उनकी प्यार, उनकी ममता तो जैसे हर पल मेरे साथ है। माँ की ये निशानी मुझे माँ के करीब लाई है, मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगी। सावरी बेटा, तुमने बहुत सहा है श्वेता के लिए, उसकी खुशियों के लिए, लेकिन अब तेरा दुख देखा नहीं जाता हमसे बेटा। नानू साहब से किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ, और श्वेता के वजह से मैंने कुछ नहीं खोया, कोई त्याग या बलिदान नहीं किया। अगर कुछ किया है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि श्वेता की खुशियों में ही मेरी खुशियां है, और दुखी तो आप दोनों हो रहे हैं। मेरे और श्वेता के जन्मदिन पर नो रोना धोना। चलिए आंसू पोछिए आप, चलिए नीचे चलते हैं। एक मिनट, एक मिनट। फिर रात पड़ी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर प्रीत की ऐसी पींग पड़ी, जब राखा बेलिया क्या हुआ भावो? तुम याद दिलाना पड़ेगा तुम किस खानदान से संबंध रखती हो। अरे इस खानदान के नाम से, इसके मान सम्मान की वजह से इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं,
घर की बेटी को इस तरह इन लोगों के साथ नाचते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे? बाबू इसमें क्या हुआ, अपने घर में तो डांस कर रही हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। इंसान को बहुत कुछ अच्छा लगता है श्वेता, मगर सब कुछ करने की इजाजत नहीं दी जाती। अब प्लीज चुपचाप अपनी दोस्तों के पास जाके खड़ी हो जाओ और जो हो रहा है उसे देखो। कोई बात नहीं श्वेता, अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब नहीं करते। श्वेता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पार्टी इतनी बोरिंग होगी। 18 साल की होने का मतलब है कि बड़ों की दुनिया में पहला कदम। और मुझे देखो, मैं तो 18 साल की भी नहीं हूँ, फिर भी वो सारी चीजें करती हूँ जो तुम्हें अलाउड नहीं है। चलो आज तुम्हारा बर्थडे डिस्को में मजे से मनाते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक 18 साल की लड़की को मनाना चाहिए। हेलो, सपनों से बाहर निकलो, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि मुझे परमिशन मिलेगी? इम्पॉसिबल। श्वेता तुम अभी भी बच्ची है, नाउ जस्ट लिसन टू मी। कभी कभी छुप छुप के रूल्स तोड़ने में जो मजा है ना, वो किसी और बात में नहीं है। हम पार्टी भी मनाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब तो ज्यादा सोच मत, तू बस तैयारी कर पार्टी की। Let's just go and have fun. और आज की रात तेरी जिंदगी की सबसे मेमोरेबल नाइट होगी। तू बस चुपचाप मौका देख के जब सब सो जाए तो सबको गुटली देकर आ जा, राइट?